गाइस आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 18। पर उससे पहले अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हो। पर उससे पहले पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माहुरागा और सुकुना आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करने लगते हैं, जिसमें काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं। और तब लास्ट में हम देखते हैं सुकुना अपनी डोमेन को यूज करके माहुरागा को मारने में कामयाब हो जाता है और फुशिगुरो को बचाकर प्रिंसिपल मासामिची के पास छोड़ आता है। और जब इटाडोरी अपनी बॉडी पर दोबारा से काबू पा लेता है तो वो ये सारी डिस्ट्रक्शंस देखकर रोना शुरू कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं सुकुना के आतंक के बाद इटाडोरी को अपने करीबी लोगों की बातें याद आ रही होती हैं, जिसमें उन सभी ने इटाडोरी को जिंदगी का सच बताया होता है और उसे अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए कहा होता है। और इटाडोरी उन सभी बातों का वजन ढोते ढोते आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं ननामी आधा जला हुआ आगे बढ़ रहा होता है, पर उसे लग रहा होता है कि वो फ्री माइंड से एक बीच पर घूम रहा है और माहितो भी उसे देख रहा होता है। और तब ननामी जैसे ही आंखें खोलता है उसके सामने बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस होते हैं। तब ननामी कहता है ये जगह तो मलेशिया है, मुझे वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाके एक बीच के किनारे एक घर बनाना चाहिए और जो मैंने इतनी सारी बुक्स खरीदी है उन्हें एक एक करके आराम से पढ़ना चाहिए ताकि मैं वो सारा टाइम वापिस ला सकूं जो मैंने खो दिया है। और रुको, मुझे अभी फुशिगुरो को बचाने जाना चाहिए। आखिरकार माकी और नायबी तो कहाँ चले गए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैंने अब बहुत कुछ कर लिया है। और तब हम देखते हैं ननामी बीस्ट के बारे में सोचते हुए उन ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस को मारने लगता है। और हम देखते हैं वो अपनी बुरी हालत के कारण अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता और तब वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस उसे मारने लगते हैं। और तब ननामी खुद पर काबू पाते हुए फिर से उन्हें मारने लगता है और तब इटाडोरी को भी लड़ने की आवाज आने लगती है और वो भागते हुए उस तरफ जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं ननामी मार खाते हुए भी उन सभी को मार रहा होता है। और तब माहितो जैसे ही उसे छूता है तब माहितो कहता है मैं तो हमेशा से यहीं था, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? और तब हम देखते हैं इटाडोरी भी वहाँ ये सारी चीजें देख रहा होता है। तब ननामी कहता है हाय बारा, आखिरकार अंत में मैं क्या करना चाहता था? मैं एक बार भाग गया था पर मैं बिना सोचे समझे वापिस आ गया। पर रुको, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये तो हाई बारा पर एक कर्स ही बनेगा। और तब माहितो इटाडोरी को देख लेता है। तब ननामी कहता है इटाडोरी अब मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। और तब हम देखते हैं ननामी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब इटाडोरी चीखते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है माहितो? तब माहितो कहता है तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सुनाई दे रहा है इटाडोरी। और तब इटाडोरी माहितो की तरफ भागने लगता है पर माहितो अपने ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन से उसके सामने एक वॉल बना देता है और वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन अपने आप को बचाने की बात कर रहा होता है, जिस वजह से इटाडोरी उसे मुक्का नहीं मार पाता। और तब हम देखते हैं माहितो इटाडोरी पर हमला कर देता है पर इटाडोरी उसके ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन को पकड़ लेता है। और तब माहितो उसके अंदर से इटाडोरी की एक मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और तब जैसे ही माहितो का ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन इटाडोरी पर हमला करता है इटाडोरी अपने आप को बचा लेता है। और तब अचानक से माहितो भी उस पर हमला कर देता है पर इटाडोरी फिर से बच जाता है। तब माहितो कहता है अगर तुमने अपना माइंड नहीं चेंज किया तो मैं तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारने में कामयाब हो जाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी के चेहरे से खून निकल रहा होता है। और तब इटाडोरी कहता है आखिरकार क्यों तुमने इतने लोगों को मारा है? तब माहितो हंसते हुए कहता है क्या मैं लोगों को गिनकर मारूं तो क्या तुम सेटिस्फाई हो जाओगे? तो ऐसा मैं अगली बार जरूर करूंगा, तो चाहे तुम जो मर्जी करते रहो पर मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगा। और तब माहितो जुनपे की एक्टिंग करके उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगता है। तो गाइस अगर आपको जुनपे याद नहीं है तो ये वही लड़का है जिसे माहितो ने यूज करके सुकुना को बुलाने की कोशिश की थी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 12 देख सकते हो। और तब यहाँ माहितो कहता है मेरी बातों को इतनी भी सीरियसली मत लो क्योंकि मैं तो एक कर्स हूँ जो कि बकवास बातें कर रहा है, पर फिर भी अगर तुम जल्दी से इसे नहीं समझोगे तो तुम मुझसे हार जाओगे। तब इटाडोरी गुस्से में कहता है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। और तभी उसे ननामी की बात याद आती है और वो सोचता है
अगर ननामी यहाँ होता तो वो गुस्से की वजह से अपना आपा नहीं खोने देता। तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ। और तब यहाँ माहितो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और तब वो और इटाडोरी एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तब माहितो जैसे इटाडोरी पर हमला करने लगता है, हम देखते हैं इटाडोरी अचानक से गायब होकर उसे चौंकाकर उसके मुंह पर एक लात मारता है और उसके ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन को जोर जोर से मारने लगता है। और तब माहितो अपनी टेक्निक से इटाडोरी पर हमला कर देता है, पर इटाडोरी उससे बचकर माहितो पर हमला कर देता है। और तब माहितो इटाडोरी का वार रोककर उस पर हमला कर देता है, पर तभी इटाडोरी उसे मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है। और तब वो दोनों माहितो के ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन के अंदर घुस जाते हैं। और तब हम देखते हैं वो दोनों उसे चीरते हुए बाहर आ जाते हैं। तब माहितो कहता है, शाबाश, अब ऐसे ही करते रहो। तो अब सेकेंड राउंड शुरू होता है। और तब माहितो अपनी सोल को मैनिपुलेट करके अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर लेता है और इटाडोरी पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। और तब इटाडोरी उससे बचकर भाग रहा होता है। और तब माहितो फिर से अपनी बॉडी को चेंज करके इटाडोरी पर लाते बरसाने लगता है, पर इटाडोरी उसे भी डॉच कर देता है और माहितो पर एक मशीन को उठाकर फेंक देता है। और तब माहितो उस मशीन को चीरते हुए इटाडोरी की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं इटाडोरी उससे बचते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है और अपनी कर्स एनर्जी को अपने मुक्के में इकट्ठा करने लगता है। और जैसे ही माहितो उस लिफ्ट पर ऊपर से हमला करता है, हम देखते हैं इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी से उसके मुक्के को वापस भेज देता है। और तब हम देखते हैं वो लिफ्ट टूटकर नीचे गिरने लगती है। और तब वहाँ माहितो आ जाता है। और तब इटाडोरी जैसे उसे मुक्का मारने लगता है, हम देखते हैं माहितो अपनी शेप को चेंज करके इटाडोरी के पास आ जाता है और उसे किस करने लगता है, पर इटाडोरी खुद को बचा लेता है और माहितो को मुक्का मारने लगता है। और तब माहितो फिर से अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके इटाडोरी पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं इटाडोरी तारों के साथ लटक के खुद को बचा लेता है। और तब माहितो फिर से वापिस आके इटाडोरी पर हमला कर देता है। और तब इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके खुद को बचा लेता है। तब माहितो सोचता है, अगर मैंने रिस्क लिया और मैंने कोई गलती कर दी तो मैं मारा जाऊंगा, तो इसलिए मैं अब से सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस का ही अटैक करूंगा। तब यहाँ इटाडोरी सोचता है, इसके पास तो पहले से भी ज्यादा मूव्स हैं। और तब हम देखते हैं माहितो वहाँ से गायब हो जाता है। और तब इटाडोरी जब उसे ढूंढने लगता है, तब उसे दो लड़के वहाँ दिखाई देते हैं जिन्हें वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस होते हैं। और तब वो इटाडोरी को मुक्का मार के दूर फेंक देते हैं। तब माहितो कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन की थोड़ी कमी है? तब इटाडोरी कहता है, रुक जाओ। तब माहितो कहता है, ये तो तुम पर डिपेंड करता है। और सोचता है, ये ट्रिक सिर्फ इटाडोरी की सोल के आगे ही ज्यादा अच्छे से काम करती है। और वैसे भी हमारे पास एक और ट्रम्प कार्ड है और वही तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। और तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैगन सारे ह्यूमंस को निगल रहा होता है, जिसे देखकर माहितो बहुत खुश हो रहा होता है। तब माहितो कहता है, अब मेरे पास बहुत सारे ह्यूमंस हो गए हैं, तो अब तुम बाकी ह्यूमंस को मार सकते हो, बस नीचे वाले ह्यूमंस को कुछ मत करना। तो चलो फिर इटाडोरी को मारने का शो शुरू करते हैं। तब जोगो मना करता है। तब माहितो कहता है, तो चलो फिर मुझे पकड़ के दिखाओ। और तब हम देखते हैं वो अपना एक क्लोन बना लेता है और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। और जोगो उसके ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन की वॉल के कारण उसका पीछा नहीं कर पाता है, जिससे जोगो को बहुत गुस्सा आ जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं दूसरा माहितो नुबारा के सामने आ जाता है। तब नुबारा कहती है, तो क्या तुम वही पैच फेस वाले स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट हो जिसने हमारे साथियों को बहुत परेशान किया है? तब माहितो कहता है, तो क्या इसका मतलब मैं फेमस हूँ? तब नुबारा कहती है, सही कहा, तुम डर के भागने के कारण बहुत ज्यादा फेमस हो। तब माहितो कहता है, तुम सच में मेरे हाथों मरने के काबिल हो। तब नुबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और सोचती है, तो जितना मुझे याद है इसकी टेक्निक सोल्स के रिलेटेड है और मैं इसके हाथों को भी टच नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे इसे मारना ही होगा। तो अब मुझे कर्स एनर्जी के कोर को याद करना होगा। और तब नुबारा अपनी नेल्स से माहितो पर हमला कर देती है और अपनी नेल्स को माहितो के सिर में गाड़ देती है। तब माहितो कहता है, तुम तो सच में कमाल की हो, पर फिर भी ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और सोचता है, लगता है ये लड़की सच में उस लड़के के बहुत ज्यादा करीब है, तो लगता है मुझे इसकी भी डेड बॉडी को इटाडोरी को दिखाना चाहिए ताकि उसकी सोल डैमेज हो सके। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, जहाँ तक मुझे लग रहा है माहितो ने अभी अभी एक खास वेपन की बात की थी और तभी हमें नुबारा और उसकी लड़ाई दिखाई गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने नुबारा को मार दिया हो
और वो इसी खास वेपन की बात कर रहा हो जिससे कि वो इटाडोरी को कमजोर कर सके। मैंने अभी तक मांगा तो नहीं पढ़ी है, पर पता नहीं मुझे यही क्यों लग रहा है। और अगर मैं ना आज की एनिमेशन की बात करूं, तो मुझे ना एनिमेशन अच्छी लगी। आज की एनिमेशन सच में अच्छी थी। बस ये है कि अगर ना पिछले वाली लड़ाई भी ये काफी अच्छे से एनिमेट करते तो और ज्यादा मजा आता। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।